बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई वाजिब एहतराम जनाब ख्वाजा शमसुल हसन साहब, मेरे मरकजी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ रेन साहब, मेरे भाई, मेरे कायद, मेरे रूहानी उस्ताद सरदार तैयब बदर खान साहब, जायद अवान साहब, जेदी खान जदून साहब, इंजीनियर नुमान साहब, मेरे मियाँ वाली से आए दोस्त मलिक उमैर सिकंदर साहब, सेक्रेटरी मीडिया हमाद शाह साहब, और मेरे सामने बैठे मेरे प्यारे दोस्त जो हमसे शुमाली पंजाब और वेस्ट पंजाब अलग होने की वजह से जुदा हो गए, बिलाल असलम गुजर साहब। मेरे सामने बैठे इमरान खान के मुजाहिदों, इकबाल के शहीनों, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले अपने मरकजी कायदीन से मुखातिब होना चाहूंगा। जनाब, मैं आपको बताना चाहूंगा जो आज से एक साल पहले आपने जिम्मेदारी मेरे जिम्मे ली। शम्स भाई, आपको याद होगा कि जब मैं इंटरव्यू देने आपके पास आया, आप भी मौजूद थे उस पैनल में, अरविंद भाई भी मौजूद थे उस पैनल में। आपने मुझसे पूछा कि शहाब बखर में कितने अरसे में तंजीम मुकम्मल कर लोगे। मुझे आज भी याद है शम्स भाई, मैंने आपसे उस वक्त कहा था कि शम्स भाई, अगर आपने मुझे फुल परमिशन दी और मुझे ये कहा कि आपने एमएनए और एमपीएस की बात नहीं सुनी, तो मैं इस बात का आपसे वादा करता हूं कि मैं एक ऐसी तंजीम बनाऊंगा इंशाल्लाह जिसकी मिसाल पत्थर में सदियों तक दी जाएगी। जनाब, मैं आपको बताऊं, मेरे भाई फरहान निसार ने आपको बुलाया, स्टेज पे आए जरा। मैं जनाब आपको बताऊं, मैंने ऐसे शख्स को बखर का सुल्तान बनाया, बखर का सदर बनाया, जिसके वालिद ने उसको पाकिस्तान तरीके इंसाफ का झंडा पकड़ कर चलना सिखाया, जो उसका घर वो वाहिद घर था कि जब बखर में कोई पीटीआई का नाम नहीं लेता था, वो शख्स अपना तन मन धन लुटा के पीटीआई को मजबूत करने में लगे रहे। वो शख्स आज यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आज वो कहते होंगे, अगर वो मौजूद होते, कि जो पौधा मैंने लगाया था वो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ऐसा दरख्त जिसकी जड़ें आज हर तहसील और हर म्यूनसिपल कमेटी तक पहुंच चुकी हैं। जनाब, आज यहाँ पे तहसील कलूरकोट, म्यूनसिपल कमेटी कलूरकोट, तहसील दरिया खान, म्यूनसिपल कमेटी दरिया खान, तहसील बखर, एमसी बखर, तहसील मनकेरा, एमसी मनकेरा के नौजवान यहाँ मौजूद हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा इन तमाम तहसीलों और म्यूनसिपल कमेटी के सदूर को, बिलखसूस तहसील गुरुकोट के सदर वकास खान, तहसील सिटी बखर के सदर सैयद इजाज शाह गिलानी, तहसील दरिया खान के सदर मलिक फयाज खावट, और बाकी भी मेरे दोस्त जिन्होंने इस पूरे कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए मेहनत की। मैं आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद दूंगा। ये कामयाबी मेरी कामयाबी नहीं है मेरे दोस्तों, ये कामयाबी आपकी कामयाबी है, क्योंकि इस वक्त मेरे कायद इमरान खान को आपकी जरूरत है, क्योंकि जो पार्टी में मीर जाफर और मीर सादिक थे वो अब खुल के सामने आ चुके हैं, और मेरा कायद इमरान खान जब भी देखता है वो आप नौजवानों की तरफ देखता है। आप नौजवानों ने जैसे हमेशा अपने कायद इमरान खान की आवाज पे लबैक कहा था, आपको आगे भी वैसे ही लबैक कहना होगा। इमरान खान को वजीर आजम बनाना अभी वो पहला किला था जो हम नौजवानों की कोशिश से फतह हुआ, अभी मैदान जंग बाकी है। मेरे नौजवानों, आज आपने यहाँ आके साबित कर दिया कि पत्थर का नौजवान इमरान खान से मायूस नहीं है, और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जब आप नौजवानों ने इमरान खान का साथ दिया तो इस मुल्क की इंशाल्लाह इमरान खान तकदीर बदल देगा। इमरान खान जो इस मुल्क के लिए कर रहा है वो आप तमाम दोस्त को बखूबी इल्म है, वो मेरे भाई इंजीनियर रुमान साहब पहले आपसे बयान कर चुके हैं। मैं क्यों ना इस पार्टी के लिए दिन रात एक करूं, मैं क्यों ना इस पार्टी के लिए मेहनत करूं, जिस पार्टी ने मेरे इस पसमानदा जिले को, पखर जैसे पसमानदा जिले को 10 अरब के फंड दिए, मैं क्यों ना इस जिले की तरह अपनी पार्टी की तारीफ करूं, मैं क्यों ना अपनी पार्टी के लिए मेहनत करूं। ये पखर शम्स भाई तख्ते लाहौर के साय में रहा है। हमारे सबका वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब मेरी पसमानदा तहसील दरिया खान से इलेक्शन लड़े, और हमारे यहाँ के जो सियासी वटेरे थे
उन्होंने उनको बिला मुकाबले इलेक्शन जितवा के दोबारा वजीर आला पंजाब बनवाया, लेकिन उसके बाद वो कभी इस जिले में ना आए। शम्स भाई, ये जो हमारा अगर बखर में किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो उसको मुल्तान जाने तक वो रास्ते में ही बेचारा फौत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई ट्रामा सेंटर है, यहाँ पे ना कोई हॉस्पिटल था, जिसकी वजह से हमारे मरीज, कई ऐसे मरीज फौत हो चुके हैं जो रास्ते में मुल्तान जाते हुए पहले वो फौत हो चुके थे। लेकिन मैं इस बात पे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान को मुबारकबाद पेश करूंगा, और मैं उनसे वादा करता हूँ कि कोई मेरे साथ खड़ा हो या ना हो, जो आपने एहसान मेरी धरती मेरे बखर पे किया है, वो इंशाल्लाह हम आपको 2023 के इलेक्शन में बखर की छह सीटें जितवा के एहसान इंशाल्लाह हम आपका अदा करेंगे। जनाब, मैं आपको बताऊं कि ये बखर जो है ग्रुप की सियासत का बहुत अरूज है, लेकिन मैंने नौजवानों को पहले दिन कहा था कि मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाऊंगा। जब हमारा उमर यूब साहब, जो हमारे वाकई वजीर हैं, उनका बखर विजिट था सुई गैस के अफ्ताह के हवाले से, तो मैं उनको पर्सनली मिला, उनसे मैंने यूथ के लिए टाइम लिया और उन्होंने यूथ को अलहदा टाइम दिया और उनसे मीटिंग की। उसके बाद जनाब मुझे धमकियां तक मिली। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँ कि ये सफर आसान नहीं है, यहाँ पे आपको पता है कि ये सफर आसान नहीं है, और इस सफर को अबूर करने के लिए हमें बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। आप लोगों को मेरा साथ देना होगा, हम नौजवान मिलकर इंशाल्लाह बखर को एक मिसाली जिला बना के रहेंगे। आखिर में एक दफा फिर मैं अपने मर्जी का दीन का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो यहाँ पे आए, क्योंकि रोजमर्रा की बुनियाद पे हम अपने नौजवानों के मसाइल उनके सामने रखते थे, तो उन्होंने कहा कि हम खुद जाके नौजवानों के मसाइल सुनेंगे और उनका हम हल करने के लिए कोई लायामल देंगे। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो हमारे नौजवानों के मसाइल हैं वो आज आप यहाँ पे हल करने का कोई लायामल दें। और जनाब, यहाँ पे जितनी भी कमेटीज बनी, जैसे मेरे जनरल सेक्रेटरी उस्मान अजीज साहब, मैं आखिरी बात करूंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं चाहता हूँ आप मेरे मरकजी कायदीन की आज बातें सुने। जैसे मेरे भाई जनरल सेक्रेटरी उस्मान अजीज साहब ने बात की कि जो पीटीआई है वो आज इधर यहाँ मौजूद है। जनाब, ये बात सच है, जो भी पीटीआई है वो आज यहाँ पे मौजूद है, और लेकिन हमारे यहाँ पे जितने भी सरकारी अहदे मिले, जितनी भी कमेटीज बनी, उसमें किसी पीटीआई का लेना देना नहीं था। जो मदर बॉडी बनी उसके प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया और वो इस वक्त अपनी सीट पे मौजूद नहीं है, उनका रिजाइन टीएलपी के मैटर पे पब्लिक हो चुका, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और उनका नाम सारे फरिश्ता। मैं आपको शम्स भाई और आरिफ साहब आपको बताऊंगा कि आपको पखर के नौजवानों की आवाज अपने कैदीन तक, हमारे कैदीन तक पहुंचाना होगी, क्योंकि अगर इस शहर के जो नौजवान, अगर आप बड़े शहरों में कोई मायूस हो भी जाए कायद साहब से, इमरान खान साहब से, कोई इशू नहीं होगा। जहाँ पे खान साहब के चंद नाम लेवल लोग हैं, अगर उनके मसाइल हल नहीं होंगे, अगर उनको हम एम्पावर नहीं करेंगे, तो आगे चल के हमारे लिए मुश्किल आएंगी। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि हमारे पखर के नौजवानों को एम्पावर किया जाए, और मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ कि आप ये हमारी आवाज़, हमारे मसाइल सैफुल्ला खान न्यायी साहब तक पहुँचाएंगे और इनको हल करवाने के लिए कोई नया अमल देंगे। शुक्रिया, फिर मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। शुक्रिया।